अति सकाल फ्रेश एपिसोड को आपण समस्त को स्वागत करवेदिता आम सहित अच्छा सबुदिन भेली आम सहयोगी कमलाकांत तेबे दर्शक बंधु प्रतिदिन सती सकाल रे आमे विभिन्न प्रसंग को नहीं आलोचना करथांती। आज गोटे बेस भल दिन आम समस्त जेहेतु आज महानवमी माँ दुर्गा को समस्ते आराधना करुछंती। कोविड कटकणा मध्ये आमे समस्ते माँ को आराधना करुछंती एवं जदियो बेसी आडंबर सहित दुर्गा पूजा आम पालन करूनांती माँ को आह्वान करूनांती किंतु किछि मात्रा रे आमे माँ को दूर रही दर्शन करुछंती। आमे सोशल मीडिया माध्यम रे होय बा गण माध्यम रे हो आमे माँ को समस्ते दर्शन करछंती। आमे माँ को पाखे प्रार्थना करबा जे आसंता वर्ष को महामारी पूरा देशरु पूरा विश्वरु चली जाइथौ आ पूरा परिस्थिति स्वाभाविक हो। तबे खबर अभियान आरंभ करबा केउ केउ प्रसंग नैछंती प्रसंग विषय आलोचना करबा कमलाकांत कोन कोन सब आमे जे प्रसंग नैछंती आलोचना रे नै छी। जदि देखिबा पार्वण कथा आपण कहउथले किंतु राजधानी रे भीड़ संक्रमण बढ़ाउछि ए कथा प्राय खबर का धरित्री प्रकाश करिछि। सेपरि किभलि भाबरे सामाजिक दूरता रहुनी जो पब्लिक प्लेस रही से कथा मध्य धरित्री प्रकाश कर पिलांकु कोवैक्सीन टीका कथा प्रगतिवादी खबर प्रकाश कर गतिशक्ति योजना कथा विभिन्न खबर कागज निजर प्रथम पेज स्थान देपरी जदि देखा श्रीमंदिर ड्रेस कोड को नहीं चर्चा हो जो मैं दर्शन करेंगे तांकर ड्रेस कोड हेबो। सेपरी आईपीएल बेटिंग को लेकिन खबर प्रकाश कर प्रमेय सेपरी जब देखा ओडिशार संग्रामी को लेकिन गवेषणा अधिक हे से संपर्कित खबर प्रमेय खबर प्रकाश करपरी माँ सुरेश्वरी पीठ को केवे पर्यटन स्थल मान्यता मिल एक प्रमेय निजर प्रथम पेज स्थान ओके नि कमलाकांत आपत कहते आम यही सब प्रसंग आज आलोचना नहीं आम सहित प्रतिनिधि आम सहित जोड़े प्रतिनिधि मैंने सहित आम आलोचना करवा सबुदिन विभिन्न प्रसंग को नहीं आम आलोचना करता। तेज प्रथम खबर आरंभ करवा राजधानी में भिड़ बढ़ाला संक्रमण अर्थात जहाँ पूर्व आकलन कराला जेहेतु पार्वण समय यह समय जदि गहली सृष्टि हुए जदि कोलाहल हुए तो संक्रमण बढ़ एक बारंबार जदि आप देखिए विशेषज्ञ मैंने पूर्व मत प्रकाश कर स्वास्थ्य विशेषज्ञ बारंबार कहते जे पूरापूरी स्थिति स्वाभाविक हो गला एक आम कहीं भी चिंता करवानी तेणु समस्त को एवं भी सचेतन होगाक पड़ो। विभिन्न खबर कागज विभिन्न ढंग से खबर प्रकाश पाई पिला कोवैक्सीन टीका लगे सुपारिश ए खबर अच्छी आम परवर्त समय आलोचना करवा कि नाक तौक को मस्क सामाजिक दूरता भी रोन विशेषकर ट्विटी कथ जब देखिए जे जो दुई रु तीन दिन धरी चित्र सामना को आसू लोक मैंने कोटना कोटि नियम मानुना एवं समस्ते भावुंत बोध हुए कोरोना चलीगला आम मन इच्छा मार्केट में बुलबू तेणु बोध हुए से भूली जाऊँच पुणी थे कोरोना को आमंत्रण करुँचिक आलोचना करवा स्वप्नांजलि महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ स्वप्नांजलि प्रथम तो आपण को महानवमी अवसर में आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और जमी आम प्रतिदिन सत्य सका विभिन्न प्रसंग को नहीं आलोचना करता। तेज आज आम जो प्रसंग नहीं राजधानी रे भिड़ बढ़ाला संक्रमण आपण जदि देखिबे जो लगातार दुई तीन दिन धरी जो भली भाव कोलाहल मार्केट रे देखा मिलूँ एक पूर्व विशेषज्ञ चेताई देते जदि गहली हुए ताले स्थिति भयानक होगा जनाइबी जो कथा वर्तमान सामना को आसी जो प्रसंग आगु आशंका थिला कहीं पार्वण ऋतु शीत ऋतु समस्त इच्छा थाए बाहर बुलवा एवं मजा करिबा जो पार्वण ऋतु रही दुर्गा पूजा अच्छी तेणु समस्ते बाहर बुलाई समस्त इच्छा थाए कि जो बीएमसी रो गाइडलाइन रही समस्ते राति आठटा पूर्व घर को फेरबे और जानवाहन चलाचल बंद रवल जरूरी कालीन भित्तिर स्वास्थ्य सेवा कथा कहतु आंबुलांस कथा कहतु जहाँ गणमाध्यम एम आठटा पर खोला रु बर्तमान जहाँ चित्र सामना को आसी विभिन्न पूजा मंडप कि लोक आसुंच केवल पूजा मंडप कथा कहीपर नहीं द्वितीयत हस्पिटाल मानक कथा कहतु विभिन्न बजार पर मार्केट ये तमाम अंचल लोक मैंने मानुना भिड़ भिड़ रोचे और जो थ्री टी को आम गुरुत्व दौले मास्क को गुरुत्व दौले सानिटाइजर और जहाँ रोला आमर सोशियाल डिस्टान्स ताकू मेन्टेन करने जहाँ राज्य सरकार गाइडलाइन करते कौटि ना कौटि टी ढिला पड़ जाए जो पार्वण ऋतु में बड़ कटका रही है राति आठटा पर कहीं पदा को बाहरी पारे कितु गत काल चित्र आम देखाई विभिन्न इमरजेन्सी कथा कही विभिन्न आल कर लोक मैंने घर पदा को बाहर हूँ तो मनरे ये चिंताधारा प्रवेश कर दुई दुईट करोना लहर जो जा प्रथम ए द्वितीय तापर हुए तो तृतीय लहर से प्रभाव पकेब ना जदिव गत चबीस घंटार रिपोर्ट देखा तो बर्तमान छः सौ जो परीक्षा करो नमूना संग्रह कराई ताठ
615 जन करोना पॉजिटिव चिन्हट अछन्ति। पूरा खोर्धा जिले में जदि 60% लोक आक्रांत होउछन्ति ता भितर केवल आ केवल राजधानी में 40% लोक करोना पॉजिटिव रे आक्रांत होउछन्ति। तथापि लोकंकर ख्याल ले कथा आसुनी जे जोभली भाव रे वर्तमान स्वप्ना आपण जेमति कहउथिले जे जो 8टा पर्यंत रोजा गाइडलाइन रहिछि जे 8टा परे नाइट कर्फ्यू जे आपण को कौन लगुच लोके सावधान हो ना लोके सचेतन हो ना लोक को सचेतन कराई पार ना माने कहीं आपड़ी देखिए कमिश्नर पुलिस पूरा सजग अच्छी जो मैंने अमानिया होती निकट में शुणी थे जी रही पुलिस कमिश्नर शुभेन्द्र प्रियदर्शी पूरा पूरा सचेतन कराई चेतावनी जदि कहीं भी नियम ढिला कर जरिमाना आदाय करदी आवश्यक पड़े गिरफ्त बर्तमान पर्यटन केत अमानिया ठारू तंड गड़ागला विशेषकर जी कह लोके सचेतन होना से सचेतन कराई पार ना देखो लोक सचेतन हवा एवं पार्वण ऋतु जेहेतु रही लोकंर ढिलापण निहाती रही ये स्वाभाविक कथा कहीं लोक मान इच्छा अच्छी जेहेतु मंडप कथा कहतु विभिन्न बजार जहाँ पूर्वर लोक मैंने जोटी जोटी गहली करती लोक मैंने आसती लोक मान मनरे जो भय रही धीरे धीरे कमुचे कहीं संक्रमण जदिओ पूर्व अपेक्षा टी कमी तेणु लोक मनरे स्वाभाविक भाव नियम को फू करवा नियम को भांगा विभिन्न आड़े बुलवा ये स्वाभाविक कथा कितु कमिशनरेट पुलिस जो कर्तव्य करने पूर्व प्रतिश्रुति देता जो भाई भाव में छानबीन करुला छक छक जगुला कितु ताहा कौचि कोहल पड़ जाए आम कहीपर कहीं गत कालीर दृश्य सामान भाव नाइट कर्फ्यू चली वर्तमान कितु जो पुलिस मैंने जगुच्च कौटिना कौटी टी ढिला पड़ जाए कहीं लोक मैंने जिते बड़े इमरजेन्सी कहीक बाहर आउ विभिन्न छक मानक जो भाव में आई कार्ड चेक कराला जो भाव में पूर्व प्रस्तुति थी जे दिन तमाम जगवा सहित राति सन्धार जेहेतु गहली राजधानी पूरा सहित सतर्क आवश्यकता रही केवल राजधानी नुहे पूरा ओडिशार जदि देखिए वर्तमान लोक मान अधिक सचेतन होबार आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर अधिक आलोचना करते आम सहित आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि तेज निवेदिता परवर्ती खबर रही जहाँ गत काली प्रधानमंत्री शुभारंभ करते गतिशक्ति योजना जहाँ आगामी 25 वर्ष भित्ति पड़ा बोली प्रमेय खबर प्रकाश करी धरित्री सामान कथा लिखी गतिशक्ति योजनार शुभारंभ 1200 शिल्पांचल क्लस्टर को हेब मल्टी मोडाल संजोग से 1200 शिल्प क्लस्टर को किभ सुविधा मिल सब गाँव को 4G नेटवर्क अक्षय शक्ति क्षमता सृष्टि हेब लक्ष लक्ष निजुक्ति खर्च हेब 100 लक्ष कोटी टाँचा गोटे बड़ योजना गोटे बड़ जमीक प्रधानमंत्री ड्रीम प्लान कहुच्छी ए संपर्क में अधिक आलोचना दिल्ली आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल निहाती भारत जो भित्तिभूमि विकास कथा देखा तापी जमी प्रधानमंत्री निजे कहते आगामी 25 वर्ष भित्ति पड़ी एवं गोटे ट्रेंड सेट करमती पूर्वर कम लेट होता एवं समय पूर्व भारत में कम सर नुआ भारत में एजेंडा रोचे जे निश्चित भाव ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो भारत बर्ष रही से रेलवे ठार आरंभ करी आमे जहाज पर्यटन नहीं पारा विमान बंदर पर्यटन नहीं पारा तेनाली कि भाव कनेक्टिविटी के आहरी सुदृढ़ कर मूल लक्ष्य रही गतिशक्ति से आधार देखिए गत काली जो प्रधानमंत्री या को इनॉग्रेशन कले शुभारंभ कले अनेक गुड़िया गुरुत्वपूर्ण कथा कही से देखिए जो तमिलनाडु उत्तर प्रदेश रही सीधा साल से 11 शिल्प करिडर और 2 प्रतिरक्षा करिडर प्रतिरक्षा करिडर जी कहे शुभारंभ हो सारा तेनाली भाव अनेक राज्य में जो क्लस्टर हब या आगामी दिन में ओडिशा में गत काली एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रही अनेक राज्य एथरु फायदा पाए तेणु क्यों राज्य केते अंटा भिड़िकी निजर फायदा नहीं पार्टी केन्द्र ठारूप निश्चित भाव समस्त नजर रही राज्य परिप्रेक्षी में कमलाकांत कही रखे ओडिशा अनेक लाभान्वित हो कहीं सब क्लस्टर जो 200 विमान बंदर रही विमान बंदर कथा कहतु बा लॉजिस्टिक हब जो आम जो वाटर कनेक्टिविटी रे जो जो गुड़िकर कैपेसिटी वृद्धि कर पूर्व जो बंदर गुड़िक रही तार प्रता कैपेसिटी वृद्धि करेसल स्कीम पूर्व आनी केन्द्र सरकार तार ओडिशा गोटे बड़ लाभ पाइब से भाव देखिए जो मत्स्य मारिबा केन्द्र रही देखिए पाखापाखी 16 मंत्रालय मिलित भाव ये कार्य को त्वरान्वित करेंगे सीधा साल अर्थ मंत्रालय अधीन लॉजिस्टिक विभाग ये कार्यर तदारख करेंगे
202 माछधरा पुंज कथा कहतु बा नेशनल हाईवे जो करिडर तैयारी करा जिवो पाखापाखी 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे वृद्धि करा जिवो सेबळी भाबे जो रेलवे विभाग रो जो गोस्ट ट्रेन गुडी कर रहिछि तार मध्य कैपेसिटी वृद्धि करा जिवो मोटामोटी कह गले सब क्षेत्र रे किबळी भाबे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को आहुरी सुदृढ़ करा जिवो एवं खास करी जो गति शक्ति रही देखिए प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे रे यार मेसेज देते लोक मान को आगामी दिन में गति शक्ति स्कीम आसो ये नूतन भारत गठन प्रक्रिया को आहुरी त्वरान्वित कर तो निश्चित भावे फोकस रही आईजना को अधिक लाभ मिलबार संभावना रही किंतु राज्य सरकार किभली भाबरे काम आदाय करछन्ते एवं जहाँ केन्द्र अनुदान देव बा योजना प्रस्तुत करिबो ओडिशा किभली लाभ नहीं पारिबो तापर मध्य समस्त नजर रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली रु गगन विश्वाल रहिथिले अधिक आलोचना करथिले निवेदिता परवर्ती खबर कोन रहिछि कमलाकांत परवर्ती खबर जार रहिछि महाप्रभु को नहीं श्रीमंदिर ड्रेस कोड को नहीं चर्चा अर्थात जो भाई भाव ड्रेस कोड को नहीं गोटे निष्पत्ति आसुच्छे जे श्रीमंदिर भितरकाठ आग को जीवाई प्रत्येक व्यक्ति को पारंपरिक वेश पोषाक परिधान करने को पड़ एवं विशेषकर सेवायत श्रीमंदिर कर्मचारी कि श्रद्धा समस्त को पारंपरिक ड्रेस कोड अर्थात मठा और पाट पिंधि भितरकाठ आग को जीवाक हो गत 11 तारीख में अनुषित छतीसा निज बैठक पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जी रही कृष्ण कुमार से नहीं सूचना देते तेरे ए कथा को अनेक स्वागत करनेक विरोध कर ड्रेस कोड हो जदि ड्रेस कोड करा जाउछि ताहले प्रकृत में कहीं एक निष्पत्ति आने को जाऊँगी असुविधा क्यों रोचे एमती नियम आसवा पचर कौन रही कारण कहीं अनेक या विरोध कर प्रकृत में क्योंटा ठीक जे जड़ इच्छा विरुद्ध जाकर जोर जबरदस्ती ड्रेस कोड पिंधेबा ये ठीक ना ये गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करेतु महाप्रभु कथा विश्व प्रसिद्ध पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर तेणु किए या स्वागत करे विरोध कर अधिक आलोचना करवा पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ आलोक ए निष्पत्ति को कई के स्वागत करे विरोध कर प्रकृत में श्रीमंदिर को कहीं एक व्यवस्था आने को जाती सरकार जे प्रकृत में ड्रेस कोड हटात एम कौन आवश्यकता पड़ा निश्चित देखो निवेदिता किसी दिन पूर्व आपर मन थी श्रीमंदिर भितर जड़े राज्य बाहर नाबालिका को असदाचरण करापर श्रीमंदिर प्रशासन चेता पशी और गत 11 तारीख में जो छतीसा निजोग गुरुत्वपूर्ण बैठक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार आलोक सहित आलोचना करवा तेज कमलाकांत जे बड़ कथा हो जे गोटेपटे देखु ये जो नियम आणवाक जाऊँच ड्रेस कोड को नहीं चर्चा लगी रही है ये जदि ड्रेस कोड पिंधिक जाऊँच गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष कहते निकट में जड़े नाबालिका को कोई भाव हस्ताचरण कराता गोटे प्रकार श्रीमंदिर प्रशासन गोटे चेता पशिच से बोधे एभली नियम ये आने को जाऊँ कम से कम गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हम पाट मठा आम जानते पारंपरिक पोशाक जदि या पिंधिक जाऊँ ये बेस भल कथा कितु कई कई या विरोध मध्य कहते जे जड़क व्यक्तिगत इच्छा रे से निजर पोशाक परिधान करता है ता विरोध रे जीवा केते दूर नेते जो देखिवा निवेदिता केवल श्रीमंदिर नहीं अनेक मंदिर मध्य परंपरा रही तेरे श्रीमंदिर भितर काठ आग को जीवाई बेश पोशाक परिधान करने पड़े बोली जहाँ कहु तेज श्रीमंदिर भितर को प्रवेश कले नुहे केवल भितर काठ आग को जीवाक ड्रेस कोड को लेकिन वर्तमान चर्चा होके निदी भितर काठ को कमलाकांत पूर्वर मध्य जो सेवायत मैंने रही पिंधिक जाती आम देखी चाहते नर्माली जो आम श्रीमंदिर जाती से सब पाट मठारे ही था तेरे यह कहुई जो मैंने श्रद्धा कथा कहतु सेवायत कि श्रीमंदिर जेकोसी कर्मचारी समस्ते ड्रेस कोड पिंधे अर्थात पाट मठा पिंधे जो चलित छतीसा निजोग बैठक बसला अनेक कटक आसी जेहेतु कार्तिक व्रत आग को आसूरी तारी मध्य एभली एक निष्पत्ति आसवाक जाऊँगी एक श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष शुणाई दि जाएगी आपको देखिए खबरकगज में कमलाकांत जो खबर प्रकाश पाई कई कहते व्यवस्था द्वारा आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हो जो मैंने रही श्रद्धा कि दर्शक से स्वागत करके विरोध कर
आलोक आशुतोष पुरी प्रतिनिधि पुणे आम सहित जोड़ते आलोक छतीसा निजोग बैठक में एभली एक कथा श्रीमंदिर प्रशासन पूरा सीधासख शुणाई पूर्व जदि आप देखिए आलोक पुरी में विशेषकर जो मैंने भितर काठ आग को जाती सेवायत मान कथा कहतु कि कर्मचारी से सब साधारण पाटमटा पिंधिता तेज पुणी एभली एक निम आसवर कौन रही था कारण देखो निवेदित आपंकर मन थी किसी दिन पूर्व राज्य बाहर जड़े नाबालिका को असदाचरण कर श्रीमंदिर भितर जहाँफल जड़े पूजक अटक कर गिरफ कर कि बड़ कथ हूँ आप जानते गत 11 तारीख में छतीसा निजोग जो गुरुत्वपूर्ण बैठक होता जो बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार अध्यक्षता करते से बैठक में गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आसला जो सेवायत मैंने भितर काठ ठू गर्भगृह पर्यंत महाप्रभु को सेवा करेंगे से मैंने पारंपरिक धोती और मथा पिंधे और जो कथ आप पचारे निश्चित भाव में समस्त सेवायत मैंने तो पारंपरिक पोशाक पिंधुंत कि बड़ कथ हूँ कुमार पूर्णिमा पर व्यवस्था श्रीमंदिर सेवायत मानी लागू कर जो सेवायत मैंने गर्भगृह ठू आरंभ कर भितर काठ पर्यंत भितर काठ ठू आरंभ कर रत्न सिंहासन पर्यंत महाप्रभु को तमाम नीतिकांति करेंगे अंपट सिंहासन पर्यंत महाप्रभु को तमाम नीतिकांति करेंगे अंपटे जो श्रीमंदिर कर्मचारी हूँ बा श्रीमंदिर जो जेटीपी अच्छा से मैंने जो मैंने भितर काठ ठू गर्भगृह पर्यंत जी से नुआ ड्रेस कोड लागू हो निश्चित भाव में यह पारंपरिक पोशाक को सबुरी महल में स्वागत करूँ कौन भक्त श्रद्धा को बाध्य बाधकता कराई ड्रेस कोड पिंधा कारण केवल सेवायत मैंने नवेदन कर भक्त श्रद्धा मैंने जो पोशाक पिंधि आसुचार शालीनता अवलंबन करवा निहाती आवश्यक कारण श्रीक्षेत्र हूँ आध्यात्मिक सहर और श्रीमंदिर गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता है तो समस्त सेवायत मैंने ड्रेस कोड परंपरा को स्वागत करते कि भक्त श्रद्धा को अनुरोध कर जो भक्त श्रद्धा मैंने महाप्रभु को दर्शन करने को आसवे से भाव में निज पोशाक शालीनता अवलंबन करेंगे निश्चित भाव में यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप सबुरी महल में यह स्वागत कराई कुमार पूर्णिमा पर दिन ठार श्रीमंदिर सेवायत मान लागू हो दीपावली पर दिन ठार श्रीमंदिर कर्मचारी हूँ जेटीपी हूँ जो मैंने भितर काठ ठू गर्भगृह पर्यटन जी से लागू आम अनेक समय नवेदिता देखी श्रीमंदिर जो सेवायत मैंने अच्छा से पैंट सार्ट पिंधि श्रीमंदिर भितर को जाते कि संपूर्ण बारण कर संपूर्ण रोक लगे निश्चित भाव में यह व्यवस्था को सबुरी महल में स्वागत करूँ आप जो कथा कहले पारंपरिक पोशाक निश्चित भाव में कहीं क्यों कालर चली आसी कि बड़ कथ हूँ बर्तमान जो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आसी भितर काठ ठू गर्भगृह पर्यटन जो सेवायत मैंने जी से पूरा पूरी पारंपरिक पोशाक अर्थात धोती मठा पिंधे और दीपावली पर जो श्रीमंदिर कर्मचारी हूँ जेटीपी हूँ जो मैंने भितर काठ गर्भगृह पर्यटन जहाँ काम रही थी से पारंपरिक पोशाक पिंधे कि भक्त श्रद्धा मैंने पारंपरिक पोशाक पिंधि पारे ना भक्त श्रद्धा मानी कौन ड्रेस कोड व्यवस्था बर्तमान सुधा लागू करूँ भक्त श्रद्धा मैंने पोशाक शालीनता अवलंबन करेंगे जहाँफल कि श्रीमंदिर एक भल परेश सृष्टि नवेदित निहांती बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष पूरी प्रतिनिधि आम सहित जोड़े और आज आलोक कहते एभली एक निष्पत्ति विभिन्न महल स्वागत कर जो मैंने सेवायत मान रही विभिन्न समय देखा मिलता है से सार्ट पैंट पिंधि मंदिर को जाती तेज श्रीमंदिर भाई एक पवित्र स्थान तेणु गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करने श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष निष्पत्ति आसंता कुमार पूर्णिमा पर लागू करते मंदिर कथा ही हबा जे माँ सुरेश्वरी पीठ को पर्यटन स्थल मान्यता केबे मिल एक प्रमेय प्रकाश कर प्रमेय अनुसार जदि देखा सोनपुर 108 रु अधिक मंदिर रही तेणु रक्षणाबेक्षण अभाव सेगुड़ी नष्ट बसला कि तार उन्नति हो पारे तो अधिष्ठात्री देवी जे रही माँ सुरेश्वरी पीठ को वर्तमान पर्यंत भी पर्यटन स्थल मान्यता मिलनी एक नहींक्री प्रमेय खबर प्रकाश कर सत्यव्रत प्रधान सोनपुर आम सहित जोड़ सत्यव्रत जदि देखा माँ सुरेश्वरी पीठ अधिष्ठात्री देवी 108 रु अधिक मंदिर रही जिले में तथापि भी राज्य सरकार एवं पर्यटन विभाग जो रही टिके अवहेला कर हाँ देखो कमलकांत निश्चित भाव में यह स्वाभाविक कथा जे सुवर्णपुर हूँ मंदिर मालिनी सहर कहले अत्युक्ति हुए ना मंदिर मालिनी सहर भाव परिगणित द्वितीय वाराणसी नाम परिगणित जेहेतु एठा त्रिवेणी संगम अच्छी पर्यटन अनेक विकल्प अच्छी एठारे किंतु वर्तमान पर्यंत राज्य सरकार पक्षर कौन प्रकार पदक्षेप निपारी सुरेश्वरी मंदिर जदि कह सुरेश्वरी मंदिर हूँ प्राचीन मंदिर जिते समवंशी राजा मैंने शासन करते से मंदिर रही राजा रजला अमल मंदिर अधिष्ठाती देवी भाव में पूजा पाई सुरेश्वरी किंतु वर्तमान जदि स्थिति देखा सुरेश्वरी मंदिर स्थिति सेमती किसी उन्नति हो पारे एवं जहाँ
पर्यटन स्थल मान्यता विभिन्न समय दाबी होते सरकार पक्ष कौन प्रकार पदक्षेप निठाकर मंत्री मैंने विभिन्न समय कैबिनेट पाया पाई कि पीठ प्रति कहारी निघा नहीं जहाँ अभियोग कर लोके आज प्रमेय खबर प्रकाशित कर आवश्यकता रही निश्चित भाव में अष्टचंडी जेहेतु सहर एटी अधिष्ठात्री देवी होती सुरेश्वरी सुरेश्वरी पीठर उन्नति हवा आवश्यकता रही पर्यटन स्थल तार ताकु सामिल करने आवश्यकता रही कमलाकांत निहाती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना तेज निवेदिता परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा जहाँ कि आईपीएल को लेकिन रही जहाँ ब्रह्मपुर आसूँ खबर आईपीएल बेटिंग जो 30 जन रही गिरफ्त कर साम्राज्य में बड़ मुड थिबा कथा चर्चा हो दुई अभियुक्त वर्तमान भी निहांति भाव में कमलाकांत आईपीएल बेटिंग कथा जब आप देखिए पूर्वर मध्य अनेक ए अभियोग गिरफ्त होती आईपीएल बेटिंग गैंग रे पाखापाखी 30 साम्राज्य बड़ मुंड दुई अभियुक्त फेरार किंतु सबुबले या देखा मिले जो मैंने छोटो छोटो जो मानक पूरा सहारा नहीं मैंने एत बड़ रैकेट चल कि जो मैंने बड़ अर्थात किंग पिन सी सब फेरार हो जाए कि कितने समय लगे पुलिस ओडिशा पुलिस को निकट में पहुँचाप कहीं चेर पूरा बाहर राज्य को लंबी दुईदिनिया रिमांडे किंग पिन जगन्नाथ को जदि अणा जाए तेज अनेक तथ्य सामना को आसपा अधिक आलोचना करवा आम सहित आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित जोड़ पीतांबर आम विभिन्न समय देखि था आईपीएल बेटिंग को नहीं अनेक गिरफ्तार पूर्व होती सब बेले पुलिस गोटे कथा कहे जे ये चेर के पर्यटन लंबी आम तार खोलता करुचु कितु मूल पोच केमती जी मास्टर माइंड ता निकट रे केमती पहुंचबो काईकिना अनेक रैकेट रहिछि हम ओडिसा रे एबे भी सक्रिय रहिछि जो माने एई सबु कारबार चलाय आछन निवेता निश्चित भाव कही परबा जदियो किछि वर्ष व्यवधान भितर देखिबा गत वर्ष ब्रह्मपुर पुलिस को आईपीएल किंगपिन जेमती कि दिनेश राठी कथा कहबा से मध्य गिरफ होइथिले एमती पूर्व वर्ष मानक कोटि कोटि टंका केमती कारबार होता विशेष करके आपण जानती जे आईपीएल अर्थात जदियो जुआ खेल ठू आरंभ करके आईपीएल बेटिंग कथा कहबा विदेश रे एगुडिक संपूर्ण भाव आईन सम्मत एवं आम देश रे जेहेतु रोक लगी एथिपाई आईन रो प्रक्रियाकरण रही एथिपाई तो ताकू नहीं कि विशेष भाव जो भाव में आईपीएल रो किंग पिन जो मान कदिओ विदेश खेल हो गत वर्षर जदि खेल कथा कहबा विभिन्न आप मध्यम आईपीएल रो सटाबाजी पड़ूला एवं ऑनलाइन आप्रे से माने टंका कारबार होता ठीक से भाव में चलित बर्ष जदि कह जितेबाला ब्रह्मपुर पुलिस विगत बर्षर जो मैंने रही बुकी मान रही कि मात्रा रे सफल होता एवं आउ गोटे साम्राज्य मध्य देखा मिलता जमीक किसी दिन पूर्व जितेबाला 8 जन गिरफ होती से भितर जहाँ को कहुच्छे किंग पिन अर्थात जीए साम्राज्य टी चलाउले कि शाखा प्रशाखा को धरिकी अर्थात किसीटा जुवपीढ़ी को धरिकी ताकु वर्तमान समय रे गिरफ करा जाय छे एवं पूर्वरु जे बुली भाबरे चारिदिनिया रिमांड मध्य आवेदन करथिला पुलिस बैद्यनाथपुर पुलिस आवेदन करथिला सेति मध्य रे वर्तमान दुईदिनिया रिमांड रे ताकु मध्य निया जाय छे कोर्ट अनुमति दिया छे एवं तथ्य गाळछि विशेष ब्रह्मपुर रे बारंबार एभली अभियोग आसु छे एवं गिरफ्तारी मध्य होय छे किंतु बेटिंग उपरे रोक लगा जाय परनी बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाग थिले ब्रह्मपुर अधिक अपडेट दउथले तबे आउ एक खबर जहाँ कि प्रमुख खबर कागज निजर प्रथम पेज स्थान देता हूँ 6 स्वाधीनता संग्रामी ना स्वतंत्र लफाफा उन्मोचित होनालोचित संग्रामी गवेषणापी यह सहायक हो वर्चुआल मध्यम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव यार उन्मोचन करते स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में राज्यर 6 स्वाधीनता संग्रामी ना स्वतंत्र डाक लफाफा उन्मोचित होती केन्द्र शिक्षा दक्षात विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्र संचार तथा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव नुआदिल्ली भर्चुआल जगे यहाँ उन्मोचन करते गत 200 एवं 250 वर्ष पूर्वे इतिहास पृष्ठ लिपिबद्ध हो ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी निहाती भाव में प्रभाव पकाइब देखा शहीद जयराजगुरु बक्सी जगबंधु चकरा विषय चाखी खुंटिया शहीद बाजी राउत और पार्वती गिरी ना यही डाक लफाफा रखा जाए छे। ओके कमलाकांत आम विभिन्न प्रसंग को नहीं आलोचना करथले समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर फिर अतिथि सहित आलोचना कर
आज मंडपे महामाई को महानवमी पूजा शक्तिपीठ से पारंपरिक नीति रे दशमी पूजा अर्चना बिना भक्त रे कटकणा भितर रीतिनीति सोशल मीडिया रे मां को पूजा होची लाइव प्रसारण। राष्ट्रीय दशहरा पाळिबे राष्ट्रपति आज रामनाथ कोविंद को दुईदिनिया लद्दाख और जम्मू काश्मीर गस्त सिंधु दर्शन पूजा सह संध्यार उधमपुर जवान को भेटिबे काली कारगिल वार मेमोरियल रे वीर शहीद को देबे श्रद्धांजलि। पुणी आंध्र दादागिरी ओडिशा सीमार पशि ओडिशा विरोध में करुछि बैठक फगुण सेनेरी ठारे मीटिंग बेले आंध्र अधिकारी पटांगी विधायक मुहांमुहिं जोरदार विरोध परे फेरिले आंध्र अधिकारी। प्रगति मैदान रु भारत प्रगति रे जोड़ीला आउ एक अध्याय शहे लक्ष कोटी गतिशक्ति मिशन रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री देशर विकास को मिलिबो गति आउ शक्ति प्रगति पई इच्छा कार्य अर्थ योजना ओ मान्यतार मंत्र देले मोदी। ओडिशार अनालोचित संग्रामी को बड़ सम्मान जय राजगुरु बक्सी जगबंधु चाखी खुंटिया बाजी राउत समेत ओडिशार छह जन महान स्वाधीनता संग्रामी स्मृति में स्वतंत्र लफाफा उन्मोचित नूआदिल्ली वर्चुअल माध्यम जोगदे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्र संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव केतक बड़ पर नुहे ओडिशार अनेक संग्रामी देश स्वाधीनतार श्रेयर हकदार बोली कहले धर्मेन्द्र। राजधानी गांधी मार्ग में दुर्घटना डिवाइडर उपरे झुलिला कार निशाशक्त अवस्था विधानसभा अभिमुखे जाता बेले डिवाइडर उपरे चढ़ीगला कार काजी विधायक रमेश जेना होता सूचना। एवं ध्वनित होछि घूर्णिबलय आज पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचाप सृष्टि संभावना 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशार किसी स्थान में वर्षा होपे वज्रपात नहीं 13 जिला को वार्निंग जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग। बंधु प्रतिदिन सते सका आम सहित जन जे अतिथि था पार्वण माहौल आम सहित आज भी जन स्पेशल अतिथि अच्छा अतिथि किए जमा भी डेरी करें आम सहित अतिथि स्टूडियो अच्छा आज अतिथि होती कंठशिल्पी संजीता मिश्र आम सहित अच्छा संजीता मैडम आपन को सते सका स्वागत करी आज जेहेतु महानवमी महानवमी अवसर में आपको ढेर सारा शुभेच्छा। थैंक यू नमस्कार आपण बहुत बहुत शुभेच्छा। ओके तेज संजीता मैडम जेहेतु पार्वण माहौल एवं आज महानवमी रही महानवमी अवसर में जेहेतु आप जड़े कंठशिल्पी आपण को मोर एक पार्वण अवसर एक गीतर आम कार्यक्रम स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे आज तो दशहरा बहुत बढ़िया स्पेशल दिन तो माँ को गोटे भजन गाइबी निश्चय बजारे बचा मोहरी बचा बजा मादल तू बचा आज मार पूजा आज मार पूजा माँ मोर दयामयी देवी दस भुजा बजारे बजा मोहरी बजा जीवन टा पाप पुण्य सौदा माँ बिना पाप बेसी पुण्य धाधा सजारे सजा दुआर सजा घर अगणा तो सजा आज मार पूजा आज मार पूजा माँ मोर दयामयी देवी दस भुजा बजारे बजा मोहरी बजा। निहाती संजीता मैडम आज महानवमी में माँ सुंदर भजन निहाती दर्शक मैंने भी खूब उपभोग करेंगे तेज मैडम आप जड़े गृहिणी आप गीत भी गाँव जमीक आप अभिनय भी निज जहाँ गीत गाँव अभिनय भी करती तो ये सब के कौन मैनेज करती कारण जड़े गृहिणी हिसाब से सब करवा निहाती बहुत कष्टर हो निहाती बढ़िया कथा कहले कष्ट तो गृहिणी पक्ष तो निहाती सत कथा किंतु से मु समय बाहर करे मोर घर काम पाई मोर गोटे सेपरेट टाइम थाए परिवार पाई मु टाइम दे थाए ता छड़ा जो गीतर रियाज पाई गोटे अलग टाइम दे थाए तो
କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରେନି, ତ ସବୁଠି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇପାରେ। ଟିକେ ରିହାସ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଦିଏ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ରଖିବି, କାରଣ କେଉଁଥିରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲେ ବି କେହି ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୋର ପରିବାରରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛି, ଶାଶୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନିବେଦିତା, ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମନେଥିଲେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଏ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଯିଏ ସେ ଗାଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ କୋଠି ପଟେ ପୁରାଣ ପାଠ ହୁଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବସନ୍ତି, ବଡ଼ ବାପା ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ପୁରାଣ ଗାଉଥିଲେ, ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇକି ତାଙ୍କର ଗୀତା ପ୍ରତି ଥିଲା, ତ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଝିଆରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଓକେ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାରରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର କଳା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କିଏ ତ ଆସିବା ଦରକାର? ପୁଅର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି କିଛିଟା କରିବ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଉଛି ଖୁସିରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଢ଼ିରେ ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରଖିକି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଙ୍ଗୀତଟା ରୁଚି ରଖୁ, ବଟ୍ ସଙ୍ଗୀତଟା ପ୍ୟାସନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନ ଅଲଗା କିଛି। ଓକେ, ତେବେ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ କଥା ହେବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାନବମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣ। ଏଇଟା ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲିରିକ୍ସ। ବିରଜା ମାଲୋ ମା ବିରଜା, ବୈତରଣୀ ତଟେ ଉଡ଼ାଉ ଧ୍ୱଜା, ଆପଦେ ବିପଦେ ଉଭା ହୋଇ ତୁହି, ଦୁଃଖ କର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଦୟାମୟୀ, ଜଗତ କରୁଛି ତୋ ପାଦ ପୂଜା, ମା ତୋ ପାଦ ପୂଜା। ବିରଜା ମାଲୋ ମା ବିରଜା, ବୈତରଣୀ ତଟେ ଉଡ଼ାଉ ଧ୍ୱଜା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ହୋଇଛୁ ଜନମ ବୋଲି କହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଜନ୍ମ ପରିମା କରିଲେ ସ୍ଥାପନ ନିଜେ ତତେ ପ୍ରଜାପତି, ସେହି ଦିନୁ ତୁହି ବିରଜ ପୀଠରେ ବୁଝା ପାଉ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମା ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା। ବିରଜା ମାଲୋ ମା ବିରଜା, ବୈତରଣୀ ତଟେ ଉଡ଼ାଉ ଧ୍ୱଜା। ଖୁବ୍ ସୁରିଲା ଥିଲା ଆଉ ଭାବ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେଠୁ ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ନା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ନା କେବେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳେ ଏତେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଗୀତ ପ୍ରତି, ତ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋ ମାଆ ବି କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଗୀତ, ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଗୀତ କିଛି ଗାଉ, ଗୀତ ଗାଉ, ଏମିତି ଚାହିଁଲେ। ତ ମୋ ଟେନ୍ଥ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଶିଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ସେଇ ସେଥିରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଲା, ତା'ପରେ କଲେଜରେ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲି, ତ ଭାବିଲି ଗାଉଛି ତ ଗାଇବି, ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ପରେ ପରେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବଜାୟ ରଖୁଛି ଆଉ। ଓକେ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତେବେ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ, ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତେବେ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି, ତେବେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତରେ?
ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ଭାବ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ଭାବ ଯଦି ଆସିବ ଆଧୁନିକ କ'ଣ ଭଜନ କ'ଣ ତୁମେ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇପାରିବ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ 100% ଦେବି, ଓକେ, ସେ ଭଜନ ହଉ କି ଆଧୁନିକ ହଉ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୁଁ ଭଜନ ହିଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଗାଉଛି ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ଓକେ। ତେବେ ଅସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି 100% ବେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଆଉଟପୁଟଟା ବହୁତ ଭଲ ବାହାରେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିବା, ପୁଣି ବାହାଘର ପରେ ପରିବାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ସଙ୍ଗୀତକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି କେମିତି? ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠିକି ବି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ପୁଅର ମା ବାପା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ସେ ତୁଲେଇକି ହିଁ ସେ ଗୀତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, କିଛି କେଉଁଠୁ ସେଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସପୋର୍ଟଟା ମିଳେନି, ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗାଉଛି। ତ ସେଇଟା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ଅଛି ସପୋର୍ଟ, କିଛି ତମେ ଗାଅ, ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଗାଅ, ତ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ, କୌଣସି ବାଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ସଞ୍ଜୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୀତ ସହିତ ଅଭିନୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆସିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ନା, ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ବି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଫାମା ହୁଏ ଛୋଟବେଳେ, ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ଟିକେ ପାର୍ଟ ଦିଆଯାଏ କରିବାକୁ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତୋର କି ସେ ପାର୍ଟଟା, ତ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଏ ଭଲ କରେ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେତେ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଲି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହଉ କି ଷ୍ଟେଜ୍ ହଉ, ତ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ମୁଁ 100% ଦେଇପାରିଲି। ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ଗାଉଛୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ସେମିତି ଇଏ କରୁଛୁ, ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁନୁ କାହିଁ ନିଜେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁନଥିଲେ ନିଜ ଭଜନରେ, ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲେ, ନାଇଁ ତୁ ଭଜନ ଆକ୍ଟିଂ ବି ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ କର, ନିଜେ ତ ଗାଉଛୁ, ତୁ ନିଜେ କର। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି, ମୋର ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ। ଓକେ, ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ଭଜନ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଜରା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରେ ରାଜ କ'ଣ? ନା ନା ନା, ରାଜ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ରାଜ କ'ଣ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଲଗେଇଲେ ତୁମେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଫୁଲ ଟିକେ ଲଗେଇବା। ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମାନେ କୁହନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ତ ନିହାତି ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇଯାଉ, ସଙ୍ଗଟେ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ହିଁ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ନିହାତି। ଓକେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ଗାଇଥିଲି। ଓକେ, କଥା ଦିଅ ସାଥୀ ଆରଚନ ମକୁ ଆସିବ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ, କଥା ଦିଅ ସାଥୀ ଆରଚନ ମକୁ ଆସିବ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ, ଏ ଜନମ ସାରା ରହିଥିବି ଖାଲି, ଏ ଜନମ ସାରା ରହିଥିବି ଖାଲି ଦୂରରୁ ତୁମକୁ ଚାହିଁ, କଥା ଦିଅ ସାଥୀ ଆରଚନ ମକୁ ଆସିବ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ, ଆସିବ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ୱିଶ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସତେ ସକାଳରେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯିଏକି ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆହୁରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ତତେ କାଳିଆ କାଳିଆ ଡାକୁଛି, ଏ କଥାଟି, ଏ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହୁତ ପପୁଲାର ବି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ବା ଭଜନଟି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ସେ ଗୀତଟା। ଆଜ୍ଞା,
मुतते कालिया कालिया डाकुछि सते की मो डाको बारे सुभुछि जाऊची जाऊची कहुचु निवेदिता बहुत सुंदर भजन है छे मैडम निजे मते अभिनय करछंती आशा करबा एटा आउरी अधिक लोकप्रिय हबो तबे जद मैडम कथा होबा जेतो आपण कहुतले जे प्रथमे कॉलेज बेळुक आपण टी अधिक इंटरेस्ट लागि तो पे तबे आपणकर पसंद रे के सब गीतकार बा रहिछंती कंठशिल्पी रहिछंती ओडिसा कथा कहबे आ जदी बॉलीवुड रे भी किबे अछंती फेवरेट आपणकर ओडिसा रे अछन भिकारी सर थिले तांको गीत भल लागे नमिता मैम कर गीत भी बहुत भल लागे बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया सिंगर तथा जो आरंभ करते क्यारियर से तो गोटे मुझ नमिता मैम गीत गाई पकड़ी मत भारी भल लगुला से बहुत मानते गीत गाइवा को भारी इंटरेस्ट था रेडियो गीत बाजिले मुझे पेपर भी लिखि पकाए मैंने एत प्रिय थी गीत गुड़ा ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳିଲା ଏବଂ କେତେ ଟପ୍ ଥିଲା ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଭଳି ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ କଟକରେ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ସତ କଥା କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସରେ ପାଇଯାଇଥିଲି ଭଜନରେ ପାଇଥିଲି ଆଧୁନିକରେ ପାଇଥିଲି ଦୁଇଟାରେ ପାଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତ ସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରୁ ହିଁ ମୁଁ ପାଇଛି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଇସା ହଁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ବାଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ମୁଁ ଗାଇପାରୁନି ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି ସେଇଟା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ପାଇଗଲ ତମର ଗୋଟେ ରହିଗଲା ନାଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତାର ଯେଉଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମିଳିବନି ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସଫଳତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି କେତେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ତ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋ ବାପା ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡକା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମୋ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଗଲା କାରଣ ସିଏ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଟ୍ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇକି ମୋରି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ମାନିତ କରିବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ରହିଗଲା ତ ସେଇ ଦିନଟା ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ନିଜ ମାଟିରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମୋ ନିଜ ଗାଁର ମାଟିରେ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆୱାର୍ଡ଼ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଓକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମୟଟି ତେବେ ସେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ନିହାତି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସପୋଜ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ନିଜେ କେବେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଗାଇପାରିଥାନ୍ତି ଟିକେ କମ୍ ରହିଗଲା ଏମିତି କେବେ ମନକୁ ଆସିଛି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କଳାକାରର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ସବୁଠି ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ 100% ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଖୁସି ହେଇଯିବି ମନେ ମନେ ନା ସେଇଟା ନାହିଁ କିଏ କହିଦେବ ତମର ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମନଟା ଦୁଃଖ କରିବା ସେଇଟା ବି ତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୀତ ଭିତରେ ଭୁଲଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଭୁଲ ଯିଏ ଭୁଲଟା ତମର କହିବ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ତମ ନିଜ ଲୋକ
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲଟା କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲୁ କହି ଖୁସି କରି ଏନକରେଜ୍ କରିଦେବେ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି ସେ ଭୁଲଟା କରିବ, ପୁଣି କେଉଁଠି ସୁର ଲାଗିଲାନି, କେଉଁଠି ସ୍କେଲ୍ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯଦି ତମ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଯିଏ କହିବ ତମେ ଚାହିଁବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରେ, ତା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା କି ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଗାଇଛି। ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ମନ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ କହିବାଟା ଯେ ଚାହୁଁନି ତାକୁ କହିବ କାହିଁକି, ଚୁପଚାପ ରହିଯିବାଟା ବେଟର। ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ ଦେଖିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ତମେ ଚାହିଁବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ତାକୁ ସୁଧାରିକି ମୁଁ ଗାଇବି, ଆଉ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭୁଲଟା ସିନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ତ ତମେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଭୁଲ ରହି ଚାହିଁଥିବ ଚାଲିଥିବ ନା। ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଭଜନ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ରେ ଥିଲା ଅଧିକ ଭଜନ ଆମେ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ କିଣିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଟାଇମ୍, ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଖାସ କରିକି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ? ଆଉଥରେ ଟିକେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆ ଥିଲା, କ୍ୟାସେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭଜନ କଥା ଦେଖିବା, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତମେ ଯେତେ ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ତମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସେୟାର୍ କେବେ, ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ବାଟ ଯେ ତମେ ଯଦି ଗୀତଟି ଗାଉଛ କି ଯେକୌଣସି, ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ତମେ ଗୀତ ଗାଇକି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାଉଛନ୍ତି ବି, ଭଲ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଭଜନରେ, ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି। ନିହାତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବୋଧେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଏବଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡର୍ନ ସଙ୍ଗ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ଯେ ଏବେର ଗୀତରେ ଖାଲି ମଡର୍ନିଟିକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ସେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆସୁନି, ଏବେର ଖାଲି ମଡର୍ନକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିବେ, ସିଏ ଚାହିଁବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମୋ ଗୀତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ଧୁମ୍ଧଡ଼କା ଗୀତ ଦରକାର, ଆମକୁ ଭାବଗୀତ ଦରକାର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭଲ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୀତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାବନା କେଉଁଠି ଆସିବ? ଭଜନର ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ତାର ଭାବ ଦରକାର, ତାର ତମେ ଗାଇଥିଲା ବେଳେ ବି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ମନେ ପକେଇବୁ, ମାନେ ସବୁକିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଗାଉ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କଲେ, ସତେଜ ସକାଳ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାନବମୀ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଶେଡ଼ୁଲ୍ରୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆସିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସକାଳ ସତେଜକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କିଛି ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ସେ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖା। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନେବି ତାରିଣୀ ପାଇଁ, ତାରିଣୀ ପାଇଁ। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ମୁଁ ମନ୍ଦାର ନେବି ତାରିଣୀ ପାଇଁ, ତାରିଣୀ ପାଇଁ। ମନ କେଉଁଠି ଲାଗୁନି ମୋର, ବସି ଗଣୁଛି ମୁଁ ତିଥି ବାର, ସଜନୀ ତାରିଣୀ ପାଇଁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ।